अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। इस वर्ष से चूंकि CFMS सिस्टम लागू किया गया है ट्रेजरी द्वारा, अतः सभी संस्थानों को अनुदान की राशि अब से ऑनलाइन रूप से CFMS के माध्यम से इस बार से वितरित की जाएगी। सभी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापक और सभी कर्मियों से हम लोग अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी ऑनलाइन रूप से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विज्ञप्ति के माध्यम से विभिन्न सूचनाओं की मांग की है, उसे जल्द से जल्द भरकर आप बिहार बोर्ड के पोर्टल पर उपलब्ध कराएं। और जैसे ही आप बिहार बोर्ड के पोर्टल पर अपनी सारी अनुदान की सूचना आप उपलब्ध कराएंगे, वैसे ही आपको अनुदान की राशि वितरित की जाएगी। लगभग 300 से भी अधिक करोड़ रुपए की राशि वितरित की जानी है विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी शिक्षण संस्थान, वैसे सभी शिक्षण संस्थान जो बिहार बोर्ड से एफिलेटेड हैं और जिनको भी अनुदान की राशि मिलती है और जिनको मिलनी है, वे सभी ऑनलाइन रूप से मांगी गई सूचनाओं को जल्द से जल्द बिहार बोर्ड को उपलब्ध कराएं ताकि उनको अनुदान की राशि वितरित किया जा सके। हाँ, इस बार अनुदान की राशि जो जाएगी शिक्षण संस्थाओं को उनके अकाउंट में CFMS के माध्यम से इस बार भेजी जाएगी। उसके लिए हम लोगों ने निर्धारित तिथि 20 जून तक की तिथि निर्धारित की है कि सभी शिक्षण संस्थान को अनुदान हेतु ऑनलाइन रूप से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं 20 जून तक उपलब्ध करा देनी है और उसकी हार्ड कॉपी भी साइन करके वे भेजेंगे ताकि उसका मिलान किया जा सके। इसके साथ ही जो नए पैटर्न से हम लोगों ने इस बार जो पैटर्न बदला है, जिसके अंतर्गत भाषा विषयों की परीक्षा और अतिरिक्त विषयों की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किए गए हैं, इसके संबंध में भी विस्तारपूर्वक सूचना सभी जिलों को भेजी जा चुकी है।